नमस्कार मित्रों, लर्न इंजन स्मार्ट मैप का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट। अमेरिका, कनाडा, चीन तथा भारत के हिमालयी क्षेत्र कड़ाके की ठंड से गुजर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा का तो दो तिहाई हिस्सा बर्फ में ढक चुका है। नियाग्रा समेत तमाम झरने, नदी और झीलें जम चुकी हैं। दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। जनजीवन ठप है। बॉम्ब नामक बर्फीले तूफान के कारण तापमान -50 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि क्या यह हिमयुग का आगाज है। मौसम और जलवायु में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, वह साफ दर्शा रहा है कि विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को खतरनाक स्तर तक प्रदूषित कर दिया है। मौसम चाहे कोई सा भी हो, गर्मी या सर्दी, चक्र तो बदल रहा है। उनका प्रकोप
भी, चरम, पर, है, भारत में भी दिसंबर 2017 जहां पिछले 10 वर्षों में सबसे गर्म रहा तो जनवरी 2018 के दस्तक देते ही कड़ाके की सर्दी का आगाज हो गया। पिछले एक सप्ताह में ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश ही नहीं, आम तौर पर इस समय खुशनुमा रहने वाले कलकत्ता, मुंबई जैसे तटीय शहरों में भी सर्दी असहनीय हो गई है। महानगरों और औद्योगिक शहरों में स्मॉग का प्रकोप लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार में सुरक्षा बलों के जवानों सहित 125 से ज़्यादा लोग सर्दी और हिमस्खलन के शिकार हो चुके हैं। मौसम में इस बदलाव के पीछे बढ़ता औद्योगीकरण, प्रदूषण, परमाणु मिसाइलों का परीक्षण तो कारण नहीं है। अमेरिका और कनाडा में आर्कटिक सागर से
से उठे बर्फीले तूफान ने 70 साल और पिछली गर्मियों में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा, अमेरिका में तापमान ने ऊंचाइयों का 50 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। स्टॉप। दोस्तों, ये थी बिगनर्स के लिए एक सीरीज जिसमें कम ही स्पीड रखी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।